नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। सोने के दाम में लगातार हलचल बनी हुई है। इस बीच अब सोने के गहनों को लेकर सरकार की ओर से नए आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल सोने के आभूषणों के लिए 6 अंकों वाली अल्फा न्यूमेरिक HUID हॉलमार्क विशिष्ट पहचान व्यवस्था लागू होने से एक दिन पहले सरकार ने जौहरियों को बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कि भारत मानक ब्यूरो 1 अप्रैल से हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण के लिए 6 अंक के अल्फा न्यूमेरिक HUID को अनिवार्य कर चुका है। सरकार ने शुक्रवार को करीब 16,000 जौहरियों को जून तक घोषित सोने के पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों को बेचने की अनुमति दे दी है। इस तरह उन्हें 3 महीने का और वक्त मिल गया है। हालांकि ये छूट जुलाई 2021 से पहले बने आभूषणों पर ही लागू होगी। इस संबंध में आभूषण उद्योग के निकायों के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार मंत्रालयों ने सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग आदेश 2020 में संशोधन किया है। इसके तहत जिन जौहरियों ने पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों के अपने भंडार की पहले घोषणा की थी, उन्हें इन्हें बेचने के लिए 30 जून 2023 तक का वक्त दिया गया है। हालांकि इसके बाद वो इन्हें नहीं बेच पाएंगे। मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि देश में लगभग 1,56,000 पंजीकृत जौहरी हैं, जिनमें से 16,243 जौहरियों ने इस साल 1 जुलाई को अपने पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों का खुलासा किया था। उन्हें 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि अंतिम समय सीमा है और पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा। तो खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।